हेलो स्टूडेंट्स आज फिर से आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास फोर्थ का सब्जेक्ट सोशल स्टडीज सोशल स्टडीज में चैप्टर नंबर टू दैट इज नॉर्थन माउंटेन्स तो चलिए शुरू करते हैं हैव यू एवर बीन टू एनी हिल स्टेशन क्या आप कभी हिल स्टेशन पे गए हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग हिल स्टेशन एंड नेम देम नीचे दो पिक्चर्स दी हुई हैं आपको ये किसी ना किसी हिल स्टेशन की पिक्चर हैं आपने ये देखना है कि ये कौन सा हिल स्टेशन है और उसका नीचे नाम लिखना है तो ये टास्क आपके लिए है आपने ये खुद सर्च करके इसको करना है आगे हम लेसन पढ़ना शुरू करते हैं द नॉर्दर्न माउंटेन्स स्ट्रेच लाइक ए ग्रेट वॉल अक्रॉस द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं वो एक विशाल दीवार की तरह फैली हुई हैं कहाँ से कहाँ तक नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ अवर कंट्री तक दिस इंक्लूड्स द कराकोरम लद्दाख एंड द हिमालयन माउंटेन रेंजेस इसके अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं कराकोरम लद्दाख एंड हिमालयन द हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड हिमालय जो हैं वो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं पूरे विश्व में द वर्ल्ड हिमालय मीन्स द होम ऑफ स्नो हिमालय को होम ऑफ स्नो भी कहा जाता है क्योंकि जो हिमालय पर्वत है वो तकरीबन 12 महीने जो है वो बर्फ़ से डका हुआ रहता है इसलिए उसे होम ऑफ स्नो भी कहा जाता है इन द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इज़ द कराकोरम रेंज अगर हम एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट पार्ट में चले जाएं अपनी कंट्री के इंडिया में तो वहाँ पे कौन सी रेंज आती है कौन सी श्रृंखला आती है कराकोरम रेंज आती है इट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ये जम्मू और कश्मीर स्टेट में स्थित है अभी स्टेट तो नहीं रही अभी जम्मू और कश्मीर यूटी में स्थित है माउंट गॉडविन ऑस्टिन एंड और केटू अबाउट 8,611 थाउजेंड सिक्स मीटर्स हाई ये जो माउंट गॉडविन ऑस्टिन और केटू ये दोनों क्या माउंटेन रेंजेस हैं इनकी हाइट जो है वो तकरीबन कितनी है 8611 मीटर्स ये हाइट है इनकी इज द हाइएस्ट पीक इन दिस रेंज इस रेंज की ये सबसे ज्यादा हाइएस्ट पीक है आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर द हिमालय एक्सटेंड फॉर 2500 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट जो हिमालयन रेंजेस हैं जो आ, पर्वत श्रृंखलाएं हैं हिमालय की वो तकरीबन ढाई हजार किलोमीटर तक फैली हुई हैं और कहां से कहां तक जम्मू कश्मीर से लेके जो नॉर्थ में है टू अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्ट में स्थित है देर विथ वेरिज फ्राम अबाउट 150 हंड्रेड फिफ्टी किलोमीटर्स टू फोर हंड्रेड किलोमीटर्स और इनकी जो चौड़ाई है वो कितने किलोमीटर तक फैली हुई है लेके फोर हंड्रेड किलोमीटर्स तक दीज माउंटेन्सर इन देश माउंटेन्स है ये जो पर्वत है ये ब्रॉड broad. ब्रॉडर क्या होता है चौड़े हैं कौन सी दिशा में जहां वेस्ट साइड में वेस्ट साइड में जो चौड़े हैं दैन इन दस्ट द हाई पीक्स आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो जो बड़ी बड़े ऊंचे पर्वत हैं वो हमेशा बर्फ से डके हुए रहते हैं नाइन ऑफ टेन माउंटेन पीक्स इन द वर्ल्ड आर इन द हिमालयन रेंज दस में से नौ जो माउंटेन पीक्स हैं हाईएस्ट माउंटेन पीक्स जो मीन्स सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक्स हैं पूरे विश्व में वो कहाँ पे हैं हिमालयन रेंज में हैं हिमालयन श्रृंखलाओं में हैं वो द दाइएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा जो पर्वत है वो कौन सा है माउंट एवरेस्ट है जो कहाँ पे स्थित है सिचुएटेड इन नेपाल में ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है तो उसका आंसर क्या आएगा माउंट एवरेस्ट जो कहाँ पे है नेपाल में इट इज अबाउट एट थाउजेंड मीटर्स हाई इसकी जो हाइट है वो तकरीबन आठ मीटर है आगे पढ़ते हैं दी रेंजेस ऑफ द हिमालयस कौन कौन सी रेंजेस हैं हिमालयस में द हिमालयन माउंटेन्स फ्रॉम थ्री डिस्टिंक्ट पैरल रेंजेस हिमालयन माउंटेन्स जो है वो तीन पैरल अलग अलग रेंजेस बनाते हैं दे आर एज अंडर जो नीचे दिए हुए हैं पहला है द ग्रेट हिमालय आर द हिमाद्री पहले का क्या नाम है ग्रेट हिमालय या फिर उसको हिमाद्री भी कहा जाता है दूसरा है द मिडल हिमालय जिन जो हिमाचल में है और दो लोअर हिमालय जो शिवालिक जिनको शिवालिक भी कहा जाता है ठीक है तो ये तीन हिमालयन माउंटेन्स हैं कौन कौन सी ग्रेट हिमालयस मिडिल हिमालयस एंड लोअर हिमालयस ग्रेट हिमालयस को हिमाद्री कहा जाता है मिडिल हिमालयस को हिमाचल कहा जाता है और लोअर हिमालयस को शिवालिक भी कहा जाता है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हिमालयन रेंजेस हैं ये वाली स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है ये वाइट कलर का ये सारा का सारा क्या है हिमालयन रेंजेस है यहाँ पे देखिए यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है ठीक है और हिमाचल प्रदेश जो यहाँ पे है ये वाला शिवालिक ये शिवालिक रेंज है ठीक है और ये कराकोरम रेंज है ये ऊपर जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है लद्दाख वाला रेंज इसको कराकोरम रेंज कहा जाता है ठीक है तो ये ग्रेट हिमालयस तीन हिमालय माउंटेन्स हैं ग्रेट हिमालयस मिडिल हिमालयस एंड लोअर हिमालयस आगे पढ़ते हैं सबसे पहले ग्रेट हिमालयस के बारे में हिमाद्री के बारे में द ग्रेट हिमालयन रेंजेस आर द हाइएस्ट ऑफ ऑल द थ्री रेंजेस जो ग्रेट हिमालयन रेंजेस है वो सबसे ज्यादा हाइट पे है सबसे ज्यादा हाइट है उनकी द लाई इन द एक्सट्रीम नॉर्थ इन जे जो है वो एक्सट्रीम नॉर्थ डायरेक्शन में स्थित हैं दे ऑलवेज रिमेन अंडर स्नो ये हमेशा बर्फ से डकी रहती हैं। दे आर देर आर मैनी पीक्स इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट इन द हिमाद्री और भी बहुत सारी पीक्स हैं माउंट एवरेस्ट को जोड़ के इन द हिमाद्री हिमाद्री या फिर ग्रेट हिमालयस में दीज पीक्स आर मोर देन एट थाउजेंड मीटर्स हाई ये जो पीक्स हैं ये लगभग इनकी हाइट जो है वो आठ हजार मीटर है माउंट कंचनजुंगा अबाउट 8,586 मीटर्स जो पर्वत कंचनजुंगा है उसकी हाइट लगभग 8,586 मीटर है द हाइएस्ट पीक इन इंडिया जो इंडिया की सबसे ऊंची पीक है हाइस्ट पीक है इज आल्सो एज द ग्रेटर हिमालय इसको ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है द अदर पीक इज अन्नापूर्ना दूसरा दूसरी पीक कौन सी है अन्नापूर्ना है मैनी ग्लेशियर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दीज माउंटेन्स बहुत सारे ग्लेशियर्स जो हैं वो इन माउंटेन्स से ओरिजिनेट होते हैं इन माउंटेन्स से बनते हैं मैनी रिवर्स सच एज द गंगा यमुना गंगा एंड द यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो इन ग्लेशियर से मिलती हैं बनती हैं ओरिजिनेट होती हैं या फिर निकलती हैं कौन कौन सी जैसे गंगा और यमुना हो गया चलिए नेक्स्ट पेज पे मिडिल हिमालयस कौन से वाले होते हैं हिमाचल में द मिडल हिमालय रेंजेस लाई टू द साउथ ऑफ़ द हिमाद्री रेंज जो मिडल हिमालय है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है कहाँ पे आता है वो साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंज में द हिमाद्री एंड द हिमाचल आर सेपरेटेड बाय डीप रिवर वैलीज हिमाद्री और हिमाचल जो है वो दोनों डीप रिवर वैलीज से सेपरेटेड हैं अलग अलग हैं दीज माउंटेन रेंजेस रिसीव रेगुलर स्नो ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन माउंटेन रेंजेस में हर साल विंटर सीजन में स्नोफॉल होती है स्नोफॉल मीन्स बर्फबारी होती है सर्दियों के मौसम में द माउंटेन स्लोप्स आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन एंड देवदार इन माउंटेन्स के जो स्लोप्स हैं स्लोप्स क्या होती है डलान वो जो डलान है वो फॉरेस्ट ऑफ पाइन एंड देवदार मीन्स पाइन ट्री और देवदार ट्री से वृक्षों से ढके हुए हैं ये पहाड़ या ये पर्वत मैनी हिल स्टेशन सच है शिमला बहुत सारे हिल स्टेशन जो हैं लाइक like शिमला हो गया मनाली कुल्लू मसूरी नैनीताल एंड दार्जिलिंग आर सिचुएटेड इन दिस रीजन ये हिल स्टेशन के नाम हैं तो इस तरह के जो हिल स्टेशन हैं कौन कौन से शिमला मनाली कुल्लू मसूरी नैनीताल और दार्जिलिंग जो है वो इस रीजन में स्थित हैं आगे पढ़ते हैं शिवालिक या लोअर हिमालय के बारे में द साउदन मोस्ट एंड द लोएस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज़ द शिवालिक्स जो साउदर्न साइड में है साउथ साइड में और जो सबसे नीचे में है लोवेस्ट रेंज में है वो कौन सी रेंज है वो हिमालयस कहा जाता है यहाँ जिसको लोअर हिम, हिमालयस कहा जाता है और शिवालिक कहा जाता है दीज माउंटेन रेंजेस आर मेड अप ऑफ लूज रॉक्स ये जो माउंटेन रेंजेस हैं वो लूज रॉक से बनी होती हैं और सैंड से बनी होती हैं लैंड स्लाइड आर कॉमन इन दिस रीजन लैंड स्लाइड जो है वो यहाँ पे होती रहती है इन रीजन में लैंड स्लाइड क्या होती है भूस्खलन These hills आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट इन पहाड़ियों के ऊपर बहुत घने जंगल हैं दीज फॉरेस्ट आर फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और उन जंगलों में बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते हैं द फुट हिल्स ऑफ द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक हिल्स आर कॉल्ड टेराई जो फुट हिल्स हैं शिवालिक की उनको टेराई भी कहा जाता है दिस एरिया इज अंडर marshes ड्यू टू हैवी रेनफॉल एरिया जो है वो मार्शेस के अंदर आता है क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है ऑन द ईस्टर्न साइड द हिमालयन माउंटेन रेंजेस टर्न टूवर्ड्स द साउथ एंड फॉर्म ए सीरीज ऑफ लो हिल्स सम ऑफ आर गारो जैंतिया, नागा मिजो एंड पटके हिल्स दे हैव फास्ट रनिंग स्ट्रीम्स एंड डेंस फॉरेस्ट दीज हिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोव इन पहाड़ियों को पूर्वांचल भी कहा जाता है आगे पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयन माउंटेंस हिमालयन माउंटेंस की इंपॉर्टेंस क्या है इसका महत्व क्या है द हिमालय आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर कंट्री हिमालय जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए हमारी कंट्री के लिए सम ऑफ देयर यूज आर एज कुछ उसके यूज जो है वो नीचे दिए हुए हैं जो एक एक करके हम पढ़ेंगे द हिमालय एक्ट लाइक ए वॉल ऑन अवर नॉर्दर्न वार्डर्स एंड प्रोटेक्ट अवर कंट्री फ्रॉम एनिमीज हिमालय जो है वो एक दीवार की तरह हमारे नॉर्दर्न वार्डन जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारी कंट्री का उसको प्रोटेक्ट करता है दुश्मनों से दे प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ ये जो माउंटेन्स हैं ये हमें ठंडी हवाओं से बचाता है जो नॉर्थ वाली साइड से आती हैं उत्तर दिशा से आती हैं दे चेक द माउंसून विंडस कमिंग फ्राम द अरेबिय एंड द बे ऑफ बंगाल एंड दस प्रोवाइड हैवी रेनफॉल तो ये तीन यूजेस थे इंपॉर्टेंस थी माउंटेन रेंजेस की आगे फोर्थ है द फॉरेस्ट इन द हिमालयन रेंजेस आर होम टू सेवरल वाइल्ड एनिमल एनिमल्स जो जंगल हैं हिमालयन रीजन के अंदर वो बहुत सारे जंगली जानवरों का क्या है घर है तो बहुत सारे जंगली जानवर इन हिमालयन रीजन्स के अंदर रहते हैं द फॉरेस्ट प्रोवाइड अस टिम्बर फायरवुड मेडिसन एंड अदर यूजफुल थिंग्स ये जो माउंटेन रेंजेस हैं इनके जो जंगल हैं इनसे हमें टिम्बर फायरवुड और बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं वो मिलती हैं मैनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्राम द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो यहीं से ओरिजिनेट होती हैं डैम्स विच आर बिल्ट अक्रॉस दीज रिवर्स हेल्प प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन रिवर्स के ऊपर जो डैम बने होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करते हैं वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं तो आ जाते हैं असाइनमेंट्स के ऊपर फर्स्ट असाइनमेंट आपको दी हुई है मैच दी फॉलोइंग्स ठीक है तो फर्स्ट है लोएस्ट रेंज इन द हिमालय तो कौन सा है लोएस्ट रेंज वो है शिवालिक तो फर्स्ट जो है वो डी के साथ मैच करेगा फर्स्ट मैच विद डी हाइस्ट पीक इन इंडिया हाइस्ट पीक इंडिया में कौन सा है कंचनजुंगा 8,848 मीटर किसकी हाइट है ये किसकी हाइट है माउंट एवरेस्ट की एंड लास्ट वन ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा ये कहाँ से हुआ है गंगोत्री से ठीक है आगे चलते हैं एक्टिविटी की ओर एक्टिविटी ये आपने खुद करनी है फिर आगे पढ़ते हैं लाइफ ऑफ पीपल इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स नॉर्दर्न माउंटेन्स वाले हिस्से में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ किस तरह से है वो किस तरह से रहते हैं मैनी स्टेट्स आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर जो है वो आती हैं दे आर द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर हो गया हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम वेस्ट बंगाल अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम एंड त्रिपुरा ये जो स्टेट्स हैं ये नॉर्दर्न माउंटेंस के अंडर आती हैं मीन्स नॉर्दर्न जहाँ तक नॉर्दर्न माउंटेंस फैली हुई हैं ये स्टेट्स जो हैं वो उसके अंदर पड़ती हैं मैनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेंस आर आउट ऑफ रिच दस दिस रीजन इज स्पेरसली पॉपुलेटेड द जनरल क्लाइमेट इज कूल इन द समर सीजन एंड वेरी कोल्ड इन द विंटर सीजन इन इलाक़ों में जनरली समर सीजन में जो है वो क्लाइमेट क्या रहता है कूल cool रहता है और जो विंटर सीजन है उस समय में जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर इज़ वेल नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी जम्मू और कश्मीर जो है वो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए विख्यात है पूरे इंडिया में यहाँ तक कि बाहर के लोग भी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं टूरिस्ट कम हेयर फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टूरिस्ट जो हैं वो अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से वो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं इसकी नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए द वैली ऑफ कश्मीर इज़ नोन एज द पैराडाइज ऑन द अर्थ जो कश्मीर की वैली है उसको पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है मीन्स धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है इट इज़ सराउंडेड बाय स्नो कवर्ड माउंटेंस कश्मीर वैली जो है वो चारों ओर से बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों से ढकी हुई है द डल एंड द बुलरर आर द ब्यूटिफुल लेक्स इन द वैली. डल लेक और जो बुलर लेक है कश्मीर में वो बहुत ज़्यादा फेमस है दीज़ देर आर हाउस बोट्स यूज एज होटल्स एंड शिकारस मीन फॉर बोटिंग एंड फ्लोटिंग शॉप्स वहाँ पे हाउस बोट्स बनी होती हैं जो होटल्स के लिए यूज़ की जाती हैं हाउस बोट्स बनाई जाती हैं पानी के अंदर डल लेक के अंदर हाउस बोट्स होती हैं जहाँ पे लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं एज अ होटल्स वहाँ पे लोग जाके रहते हैं एंड शिकारज मीन फॉर बोटिंग और शिकारज जो है जहाँ पे डल लेक के अंदर बोटिंग की जाती है श्रीनगर इज द समर कैपिटल एंड जम्मू इज द विंटर कैपिटल ऑफ द स्टेट श्रीनगर जो है वो समर कैपिटल है और जम्मू जो है वो विंटर कैपिटल है हमारी स्टेट की द मेन टूरिस्ट सेंटर्स आर वैष्णो देवी टेम्पल अमरनाथ गुलमर्ग पहलगाम अनंतनाग एट्सेट्रा जो मेन टूरिस्ट सेंटर्स हैं टूरिस्ट स्पॉट्स हैं हमारे जम्मू और कश्मीर के वो कौन कौन से हैं वैष्णो देवी टेम्पल है जो जम्मू में स्थित है अमरनाथ केव है जो पहलगाम से शुरू होता है गुलमर्ग है पहलगाम है अनंतनाग है और भी बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं हमारे जम्मू और कश्मीर में दे देयर पीपल मोस्टली स्पीक कश्मीरी लद्दाखी डोगरी एंड उर्दू लैंग्वेज जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो जनरली कौन कौन सी लैंग्वेज़ बोलते हैं कश्मीरी बोलते हैं लद्दाखी बोलते हैं डोगरी बोलते हैं और उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल आर मुस्लिम्स हिंदूज एंड बुद्धिस्ट यहाँ के जो लोग हैं बहुत सारे लोग जो है वो मुस्लिम्स भी है रहते हैं यहाँ पर हिंदूज भी रहते हैं और बुद्धिस्ट भी रहते हैं मैन एंड वुमेन वी आर ट्रेडिशनल लूज कुर्ताज लाइक फिरन आदमी औरतें यहाँ का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो क्या है लूज कुर्ता एकदम खुला हुआ कुर्ता होता है जिसको हम फेरन कहते हैं टू कीपसेल वॉम इन विंटर पीपल इन कश्मीर कीप अर्थन पॉट्स फिल्ड विद वर्निंग कोल नोन एज कांगड़ी विनेथ देअर फेरन दे लाइक टू ड्रिंक कावा ए स्पेशल टाइप ऑफ कश्मीरी टी कश्मीर के लोग जो है वो जनरली कावा पीना पसंद करते हैं जो एक कश्मीरी चाय है द मेन फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन द स्टेट आर ईद एंड शिवरात्रि यहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट में जो सबसे ज़्यादा फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं वो कौन से होते हैं ईद और शिवरात्रि का जो त्यौहार है वो सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है फार्मिंग इज़ द मेन ऑकुपेशन इन द समर सीजन फार्मिंग जो है वो आ, लोगों का मेन ऑक्युपेशन है समर सीज़न के अंदर गर्मियों के मौसम में द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर राइस मेज़ राजमा फ्रूट्स वेजिटेबल एंड सेफ्रॉन। जहाँ पे जो मेन क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं राइस मेज़ राजमा फ्रूट्स वेजिटेबल और सैफरान सैफरन सैफरन इन द कोल्ड विंटर सीजन जो कोल्ड विंटर सीजन होता है पीपल्स टे इनडोर्स मीन्स सर्दियों के मौसम में लोग अक्सर अंदर रहते हैं एंड मेक हैंडी क्राफ्ट फ्राम वुड एंड पेपर मेश दे आल्सो वीव कार्पेट्स एंड मेक शॉल्स फ्राम वूल एंड पशमीना तो यह था किसके बारे में जम्मू कश्मीर के बारे में आगे पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में हिमाचल प्रदेश इज़ द ब्यूटिफुल सिटी हिमाचल प्रदेश बहुत ही एक सुंदर शहर है इट्स कैपिटल इज़ शिमला इसकी कैपिटल जो है वो शिमला है द मेन टूरिस्ट सेंटर्स आर कुल्लू मनाली डलहौजी धर्मशाला एंड कसौली जो टूरिस्ट सेंटर हैं हिमाचल में सबसे मेन जहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं वो कौन कौन से हैं कुल्लू मनाली डलहौजी धर्मशाला और कसौली द ट्रेन जर्नी फ्राम कालका टू शिमला इज़ अ स्पेशल अट्रैक्शन जो ट्रेन जर्नी है कालका से लेकर शिमला तक का वो सबसे ज़्यादा एक मेन अट्रैक्शन है लोगों की द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कुल्लू एंड Kangra valleys इज़ दशहरा यहाँ के लोगों को जो सबसे महत्व त्यौहार है जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं मनाते हैं वो कौन सा है दशहरा द मेन languages स्पोकन हेयर आर पहाड़ी एंड हिंदी यहाँ के लोग जो है वो पहाड़ी और हिंदी जो है वो बोलते हैं नेक्स्ट पेज पर चलते हैं उत्तराखंड द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट इज़ देहरादून उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो देहरादून है गरवाली एंड हिंदी आर द मेन लैंग्वेजेज स्पोकन हेयर गढ़वाली और जो हिंदी है यहाँ पे दो लैंग्वेज बोली जाती हैं वो है गढ़वाली और हिंदी यहाँ के टूरिस्ट सेंटर जो हैं वो कौन कौन से हैं मसूरी नैनीताल रानीखेत, बद्रीनाथ केदारनाथ एंड हरिद्वार ये जो स्पॉट्स हैं ये कहाँ पड़ते हैं उत्तराखंड में आते हैं द फेमस कुंभ मेला इज हेल्ड एट हरिद्वार जो कुंभ मेला है वो हरिद्वार में होता है मोस्ट ऑफ द पीपल आर आई फार्मर्स आर वर्क इन द आर्म्ड फोर्सेस यहाँ के मैक्सिमम जो लोग हैं वो यहाँ तो किसान हैं या फिर आर्म्ड फोर्सेस में बरती हैं द गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग देम टू सेट अप वेरियस इंडस्ट्रीज इन द स्टेट हिल स्टेट कंटेन्स द गढ़वाल एंड कमान रेंजेस आगे आते हैं सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के बारे में गंगटोक इज़ द कैपिटल ऑफ़ सिक्किम सिक्किम की जो कैपिटल है वो गंगटोक है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू लेपचा बुटिया आर नेपाल ट्राइबल ग्रुप्स और बहुत सारे लोग जो बिलोंग करते हैं वो लेपचा बुटिया या फिर नेपाल ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं माउंटेन कंचनजुंगा द हाइस्ट पीक इन द इंडियन हिमालय एंड थर्ड हाइस्ट इन द वर्ल्ड इज इन दिक्किम स्टेट सिक्किम स्टेट के अंदर जो माउंटेन कंजनजुंगा है जो इंडिया की सबसे ऊंची पीक है मैं ऊंचा पर्वत है वो कहाँ पे स्थित है यहीं पे सिक्किम में स्थित है वुमेन वियर लॉन्ग स्कर्ट्स यहाँ की औरतें हैं वो बड़ी बड़ी लॉन्ग स्कर्ट्स पहनती हैं जिनको हम क्या कहते हैं कार्ड बाकूस एंड कलरफुल ज्वेलरी मेड फ्रॉम बीड्स और कलरफुल ज्वेलरी पहनती हैं दिस स्टेट इज नोन एज ऑर्चिड्स मास्क डांस इज़ अ स्पेशल फोक डांस इन सिक्किम मास्क डांस जो है वो सिक्किम का स्पेशल फोक डांस है दार्जिलिंग इज ए हिल स्टेशन सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल यहाँ का हिल स्टेशन जो है वेस्ट बंगाल में जो हिल स्टेशन स्थित है वो कौन सा है दार्जिलिंग है इट इज़ मोस्ट इट इज फेमस फॉर द लॉन्ग लीफ दार्जिलिंग टी ग्राउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स जैसे नीचे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि वहाँ पर दार्जिलिंग में जो है ट्री टी प्लांटेशन भी होती है मीन चाय भी यहाँ पे उगाई जाती है दी नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ सेवन स्टेट्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो इंडिया का है उसमें सात स्टेट्स आती हैं दीज आर कोलेक्टिवली कॉल्ड सेवन सिस्टर्स इनको सेवन सिस्टर्स भी कहा जाता है पीपल इन दिस स्टेट्स हैव देयर ओन कस्टम्स ड्रेसेस एंड लैंग्वेज इन स्टेट्स के जो लोग हैं उनका खुद का रिवाज है ड्रेसेस उनके अलग हैं और लैंग्वेज भी जो है उनकी अलग बोली जाती है वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन दिस रीजन मोस्ट पार्ट ऑफ दिस स्टेट रिमेन्स कवर्ड विद माउंटेन्स द स्टेट इज स्पायरसली पापुलेटेड एंड पीपल लिव इन स्मॉल ग्रुप्स इन स्टिल्ड हाउसेस दे आर हंटर्स एंड फार्मर्स एंड ग्रो राइस मेज मिलेट्स तंबाकू एंड सीड्स अरुणाचल जो पर, अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है वो लार्जेस्ट स्टेट है इस रीजन का सेवन सिस्टर्स जहाँ है वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट आती है वो सबसे बड़ी स्टेट है और यहाँ के लोगों का जो मेन क्या करते हैं वे हंटर्स करते हैं शिकार करते हैं या फिर किसान हैं और क्या उगाते हैं ग्रो राइस मेस मिलेट्स तम्बाकू और ऑयल सीड्स इनका मेन फार्मिंग है असम इज़ द बिगेस्ट स्टेट इन दिस रीजन असम जो है वो बिगेस्ट स्टेट है इस रीजन की इसकी कैपिटल क्या है दिसपुर है इट हैज़ लार्ज टी प्लानेशन यहाँ पे चाय जो है वो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्क यहाँ पे हजारों में लोग काम करते हैं असम इज फेमस फॉर इट्स सिल्क असम जो है वो सिल्क के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है पार्ट्स ऑफ असम आर कवर्ड बाय द नॉर्दर्न प्लेन्स मोस्ट ऑफ़ द पीपल स्पीक असमीज यहाँ के मैक्सिमम लोग जो है वो असमीज़ बोलते हैं उनकी लैंग्वेज असमीज है द पीपल इन असम सेलिब्रेट बिहू देयर हार्वेस्ट फेस्टिवल जो असम के लोग हैं उनका जो फेस्टिवल है त्यौहार है वो क्या है बिहू है मेघालय मीन्स द एडोब ऑफ क्लाउड्स मास्नरम नियर चेरापूंजी गेट्स द हैवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है बारिश जो है वो होती है पूरे विश्व के अंदर मीन चेरापूंजी ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हैवी बारिश होती है हैवीएस्ट रेनफॉल होती है शिलोंग ए पॉपुलर हिल स्टेशन इज द कैपिटल सिटी मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू गारो खसी एंड जनतिया ट्राइब्स दे आर फार्मर्स एंड दे ग्रो राइस मेज पोटैटो शुगर केन जूट एंड फ्रूट्स लाइक पाइन ऐपल एंड ऑरेंज. कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड कोहिमा जो है वो नागालैंड की कैपिटल है राइस मेज मिलेट्स एंड ओरेंजेस आर ग्राउन हेयर ग्रोन हेयर राइस मेज और मिलट्स जो हैं और ऑरेंजेस भी हैं यहाँ पर उगाए जाते हैं दी नागाजर शॉल्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन वी कैन टेल द ट्राइफ एन नागा बिलोंग्स टू फ्राम द डिज़ाइन ऑफ हर शॉल मनीपुर मीन्स ए ज्विल्ड टाउन मनीपुर का मिल होता है एक ज्विल्ड टाउन इम्फाल इज द कैपिटल सिटी मनीपुर की जो कैपिटल है वो क्या है इम्फाल है द स्टेट इज पार्टली हिल एंड पार्टी अंडर द प्लेन ये जो स्टेट है वो पार्टी क्या है हिली है मीन्स आधा जो है वो यहाँ पे पहाड़ी हैं और आधा हिस्सा जो है वो प्लेन रीजन है मणिपुरी इज़ द मेन लैंग्वेज मणिपुरी यहाँ के लोगों की मेन लैंग्वेज है जो लोग वहाँ पे लैंग्वेज बोलते हैं और वहाँ का जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है त्यौहार हैं वो कौन सा है दुर्गा पूजा होती है दिवाली रथ यात्रा एंड जन्माष्टमी जो है ये त्यौहार वहाँ पर मनाए जाते हैं द फार्मर्स मेनली ग्रो राइस वीट एंड मेज यहाँ के जो किसान हैं वो मेनली क्या उगाते हैं राइस वीट और मेज़ उगाते हैं सिल्क बॉम फार्मिंग इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट द मनीपुरी डांस इज़ फेमस थ्रू आउट इंडिया जो मनीपुरी डांस है वो पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है आगे पढ़ते हैं मिज़ोरम ये सेवन सिस्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम मिज़ोरम मीन्स लैंड ऑफ द हिल पीपल एज वेल इज़ द कैपिटल सिटी एज वेल जो है वो मिज़ोरम की कैपिटल सिटी है द मेन ऑक्युपेशन ऑफ द पीपल इज़ एग्रीकल्चर यहाँ के लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो खेती बाड़ी है द करॉप्स क्रोन हेयर आर यहाँ की जो फसल है जो लोग यहाँ पे फसल उगाते हैं वो कौन कौन सी उगाते हैं राइस मेज पोटैटो गेंगर एंड तम्बाकू सैरिकल्चर इज़ आल्सो इन पॉपुलर द बैम्बू डांस इज़ वेरी फेमस एयर हर एक स्टेट का अपना एक, एक फेमस डांस होता है या फेमस लैंग्वेज होती है उनकी तो यहाँ के मिजोरम का फेमस डांस कौन सा है बैम्बू डांस आगे पढ़ते हैं त्रिपुरा के बारे में त्रिपुरा इज बाय बांग्लादेश ऑन थ्री साइड्स त्रिपुरा जो है वो Uh, तीन साइड से बांग्लादेश से गिरा हुआ है अगरतला इज़ द कैपिटल सिटी त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो क्या है अगरतला है एंड द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन इज़ बंगाली और जहाँ के लोग जो है वो ज़्यादातर बंगाली बोलते हैं पीपल आर फार्मर्स एंड ग्रो राइज मिलर्स मेज टी शूट जूट एंड शुगर केन बैम्बू इज़ ऑल्सो ग्रोन इन मैनी पार्ट्स पीपल मेक ब्यूटिफुल आइटम्स फ्राम केन एंड बैम्बू आगे आ जाती है हमारे जहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है आगे हम पढ़ेंगे असाइनमेंट्स और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स तो चलिए शुरू करते हैं असाइनमेंट्स से फर्स्ट है द फेमस लेक्स ऑफ श्रीनगर तो इसका आंसर आएगा डल लेक एंड वुलर लेक सेकेंड है हाई पीक्स ऑफ द ग्रेट हिमालयस इसका आंसर आएगा माउंट एवरेस्ट कंचनजुंगा माउंट गॉडविन गॉडविन ऑस्टिन के या फिर अन्नपूर्णा ये आप चारों में से कोई भी लिख सकते हैं टू हिल स्टेशनस ऑफ उत्तराखंड उत्तराखंड के दो हिल स्टेशन का नाम लिखना है दैट इज नैनीताल एंड मसूरी इसका आंसर आएगा टू ट्राइब्स ऑफ सिक्किम दो सिक्किम के ट्राइब्स के नाम लिखने हैं वो कौन से हैं लेपचा एंड बुटिया एल ई पी सी एच ए एंड बी एच यू टी आई ए बुटिया फिर टू क्रॉप्स ग्रोन इन त्रिपुरा यह इसका आंसर आएगा राइस एंड मिलेट्स ठीक है आगे चलते हैं हम असेसमेंट टाइम की ओर टिक द करेक्ट ऑप्शन आपने सही ऑप्शन को टिक करना है वट इज द लेंथ ऑफ द हिमालयन रेंजेस हिमालयन रेंजेस की अप्रोक्सीमेट लेंथ क्या है इसका आंसर आएगा 2500 किलोमीटर्स बी पार्ट इन विच कंट्री इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड ये आएगा नेपाल के ऊपर टिक करना है नेक्स्ट है वट इज पार्ट ऑफ बर्निंग कोल यूज बाय द कश्मीरीज इन विंटर कॉल्ड ये आएगा कांगड़ी सी पार्ट आंसर है विच स्टेट गेट्स द हैवियस्ट रेनफॉल इन द कंट्री इसका आंसर आएगा मेघालय सी पार्ट विच स्टेट डज नॉट बिलोंग टू द सेवन सिस्टर्स इन चार स्टेट में से सेवन सिस्टर्स में कौन सी स्टेट जो है वो बिलोंग नहीं करती है उत्तराखंड डी पार्ट आएगा स्मॉल बोट्स दैट आर यूज फॉर बोटिंग एंड एज फ्लोटिंग शॉप्स इन कश्मीर आर कॉल्ड उनको क्या कहा जाता है शिकारा सी पार्ट इज द आंसर नेक्स्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स द हिमाद्री एंड द हिमाचल आर सेपरेटेड बाय डीप सी डीप रिवर वैलीज फिलम में आएगा वैलीज द वर्ल्ड हिमालया मीन्स द एडोब ऑफ स्नो द वर्ल्ड हिमालय सेकेंड फिल्म में आएगा हिमालय द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक हिल्स आर कॉल्ड इसको क्या कहा जाता है टेराई टी ए आर ए आई फोर्थ है द फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स डैश एंड फायरवुड द फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स टिम्बर कॉमा मेडिसंस एंड फायरवुड तो इसमें एक फिल्म में क्या आएगा टिम्बर एंड मेडिसंस द वूमेन ऑफ सिकम वियर लॉन्ग स्कर्ट्स कॉल्ड बाकूज बी ए के यू एस फिफ्थ में आएगा बाकूज बी ए के यू एस शॉर्ट आंसर्स जो है और जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे ये आपने वहाँ से कर रहे हैं तो इसके साथ ही हमारा ये लेसन जो है वो कंप्लीट होता है तो आई होप आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा तो अगर आपको हमारी वीडियो जो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे